हेलो ट्रेडर्स, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो टुडे। सो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक्स की, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट आए थे कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ वो बताने के लिए, तो आज मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं कौन से दो टेक्निक्स यूज़ करता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो देखिए, मेरा जो पहला टेक्निक है वो है सर्वे सर्वे करके, चार्ट्स को सर्वे करके मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। और जो सेकंड टेक्निक है वो है स्क्रीनर यूज करके। तो मैं आपको दोनों को अलग अलग करके बता देता हूँ। तो ये मेरा दो टेक्निक्स है जो मैं यूज करता हूँ। नंबर वन इज सर्वे, नंबर टू इज थ्रू अ स्क्रीनर। तो सर्वे जो है वो है थोड़ा सा हार्ड टेक्निक, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे सर्वे पे ज़्यादा विश्वास है। तो मैं उसमें क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। सर्वे में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास वॉच लिस्ट बना हुआ है। ये वॉच लिस्ट में मोस्टली मैं जो स्टॉक सेलेक्ट करके रखा हूँ वो पूरा F&O के से स्टॉक्स है, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो 150 स्टॉक्स है ऑलमोस्ट, तो मैंने उसमें यहाँ पे डाल के रखा है। तो हर दिन जब मार्केट एंड होता है तो मैं इंडिविजुअली इसमें से एक एक स्टॉक करके खोलता हूँ हर दिन। बाई 9:30 9 o'clock मैं इसमें से हर एक स्टॉक में फटाफट एक बार नज़र घुमाता हूँ। दैट मीन्स मैं एक बार सर्वे करता हूँ सारे स्टॉक्स को और उसमें से सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं मोस्टली ये करता हूँ। बट मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो है स्क्रीनर मेथड, क्योंकि स्क्रीनर मेथड के थ्रू और आसान है स्टॉक्स को सर्च करना। क्योंकि ये स्क्रीनर मेथड से आपको पता चलेगा कि मोमेंटम वाले स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं कल के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले स्क्रीनर से शुरू करें, दैट इज़ द ईजी वे। क्योंकि सर्वे जो है वो थोड़ा टाइम लगता है और आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि 150 स्टॉक्स को हर दिन देखना आसान नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ये स्क्रीनर से शुरू करें जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज द इजी वे। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे आज स्टॉक्स किस टाइप के ढूंढ रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन का, तो किस टाइप का स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करना चाहिए इंट्राडे के लिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंट्राडे में क्या होता है कि आप, लेट से आप एक स्टॉक 500 पे है अभी, और आपको लग रहा है कि ये स्टॉक कल 510 पे चला जाएगा। करेक्ट, ये आज 500 पे है और आपको लग रहा है ये 510 पे चला जाएगा। बट क्या होता है, शायद नेक्स्ट डे ये आप यहाँ पे बाई कर ले, ये बाई कर ले आप यहाँ पे, और नेक्स्ट डे ये ऊपर गया और यहीं पे साइडवेज कर गया और ज्यादा मूवमेंट नहीं आया। तो क्या होता है कि आप इंट्राडे में स्टॉक खरीद रहे हो, तो उसका मतलब है आपको इंट्राडे में इसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। करेक्ट, तो उस दिन होता क्या है कि आपका जो कन्विक्शन था, आपका जो आपको जो लग रहा था वो करेक्ट है कि यस वो स्टॉक तो 510 जाएगा, बट वो शायद अगले दिन ना जाए और वो एक दिन वेट करके फिर अगले दिन वो 510 को जाए। तो वो टाइम में स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर में अगर आप देखोगे तो स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा बेहतर है, मतलब इंट्राडे के ऊपर में स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप मोर देन वन डे रखते हो। करेक्ट, मतलब आप अपना जो कन्विक्शन है, आपको जो लग रहा है कि स्टॉक कहाँ तक जाएगा, जब तक वो स्टॉक वहां तक नहीं जाता या फिर जब तक वो स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करता तब तक आप रखते हो। बट जब आप इंट्राडे करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि आपको एनीवेज बाई 315 आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमको स्टॉक्स किस टाइप के ढूंढने हैं, जो मैं पहले भी जिस पे वीडियो बना चुका हूँ मोमेंटम स्टॉक्स, तो वो स्टॉक्स का अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं यहाँ पे वो वीडियो अटैच कर दे रहा हूँ। वो वीडियो को पक्का देखिएगा क्योंकि उसमें आपको बहुत आइडिया मिलेगा। तो हम लोग मोस्टली ढूंढ रहे हैं कि मोमेंटम स्टॉक्स, और जैसे कि मैं पहले बताया मोमेंटम कब आता है, जब स्टॉक कोई भी एक छोटे साइकिल पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है मार्केट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में चलता है। तो यहाँ पे एक जगह पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद ये अचानक से एक्सपैंड होता है। तो मार्केट चलता ही यही साइकिल में है पूरे साल। कोई भी टाइम फ्रेम में आप देखोगे, चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हो या 1 मंथ के टाइम पीरियड में हो, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में ही चलता है। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं इस टाइप के साइकिल को, जहां भी स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट करता है हम वैसे स्टॉक्स को ढूंढेंगे, और जहां पे अगले दिन मूवमेंट आएगा वो सडन मूवमेंट रहेगा। तो वैसा मूवमेंट हमारे लिए इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब इंट्राडे में ये कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा बेसिक यही रहता है कि सबसे कम टाइम में हम लोग ट्रेड में घुसकर निकल जाए बाहर। तो वही होता है इंट्राडे का सबसे फेवरेबल चीज़ जिसमें आपको बेनिफिट कर सकते हैं, वरना फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि कब वो मोमेंटम आएगा। तो इसलिए आज मैं एक और नया टर्म यहाँ पे आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक है NR7 एंड NR4।
तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे एनआर का मतलब होता है नैरो रेंज, एनआर का मतलब होता है नैरो रेंज। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक टेक्निकल एनालिसिस है स्टॉक्स में, कैंडल्स में ये स्पेसिफिकली ये एनालिसिस करते हैं। तो ये नैरो रेंज 4 और ये जो 7 है, ये 7 और ये जो 4 है ये डेज बता रहा है। तो ये NR7 मतलब 7 डेज का है, NR4 मतलब 4 डेज का है। तो NR4 कैंडल कब बनता है, कोई भी एक दिन को NR4 कैंडल तब बोलते हैं, मतलब डेली चार्ट्स में, मैं डेली चार्ट्स का बात कर रहा हूँ। तो कोई भी एक स्टॉक को NR4 का कैंडल तभी बोलेंगे जब लास्ट 4 डेज में, लेट से डे 1, डे 2 कैंडल, डे 3 कैंडल एंड डे 4 कैंडल। तो ये जो डे 4 कैंडल है, ये लास्ट 4 डेज का सबसे स्मॉलेस्ट कैंडल बना है, मतलब सबसे लास्ट 4 डेज का सबसे स्मॉलेस्ट कैंडल बना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं NR4 कैंडल, या फिर NR4 स्टॉक उस दिन के लिए, कोई पर्टिकुलर डे के लिए। तो सेम वेस में अगर आप NR7 देखोगे तो लास्ट 7 डेज का, चाहे जितना भी लास्ट 7 सेशंस का जो कैंडल था वो लास्ट में आके छोटा हो गया। तो ये अभी 6 हुआ यहाँ पे, लेट से एक और 7। ओके, तो लास्ट 7 डेज का सबसे जो अभी जो कैंडल है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, वो जब भी होता है हमको पता चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं NR7। आप ये NR4 एंड NR7 एक बार नेट पे देख लीजिएगा, आपको और क्लियरली समझ आएगा कि ये क्या है। तो बेसिकली NR क्या होता है, नैरो रेंज, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्शन, ये वो कॉन्ट्रैक्शन फेज को आइडेंटिफाई करता है, जहाँ पे स्टॉक अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो गया लास्ट 4 डेज में या फिर 7 डेज में। तो हम लोग यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे एक्सपैंड करें, यहाँ पे एक मूवमेंट आए, नहीं तो फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्सपैंड करें। तो इसमें से कोई भी एक डायरेक्शन में एक्सपैंड करेगा तो हम लोग को इंट्राडे में ट्रेड लेने के लिए आसान है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नीचे सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे में, इसलिए हम लोग के पास सेलिंग ऑप्शन है, शॉर्टिंग ऑप्शन है, और अगर ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो रहा है तो हमारे पास बाइंग ऑप्शन है। तो हम लोग मोस्टली आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू स्क्रीनर NR4 एंड NR7 स्टॉक्स फॉर टुमारो, ठीक है। तो अब ये बेसिक आपको पता चल गया कि NR4 एंड NR7 क्या है, प्लीज इसको गूगल कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि ये कब बनता है मोस्टली चार्ट्स पे, ये क्या कैंडल पैटर्न है। तो अब चलते हैं स्क्रीनर की तरफ, क्योंकि अब आपको ढूंढना है अपने 150 स्टॉक्स, मतलब मैं मोस्टली बोलता हूँ कि जो F&O स्टॉक्स है उसी पे ट्रेड करना चाहिए अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लिक्विडिटी रहता है उसमें और अच्छा वॉलेटिलिटी भी रहता है, मतलब स्टॉक्स मूव करना चाहिए। अगर स्टॉक्स मूव ही नहीं कर रहेगा तो आप कैसे ट्रेड करोगे, क्योंकि इंट्राडे में हमारा बेसिक फंडामेंटली ये है कि जो भी वॉलेटाइल मूवमेंट आता है चाहे ऊपर या नीचे, उसमें से हम लोग को प्रॉफिट लेना है। तो ये NR4 एंड NR7 हम लोग को अभी 150 स्टॉक्स के अंदर से ढूंढना है। तो मैं नॉर्मली आजकल मैं अपने वॉच लिस्ट में एक एक करके जाके ढूंढता हूँ ये NR4 और NR7। और उसके अलावा आपको तो पता ही है कि मैं वैल्यू एरिया में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मेरे स्ट्रैटेजी जो है वो है वैल्यू एरिया का, और मैं वैल्यू एरिया पे भी स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ कि मेरे वैल्यू एरिया पे अगर कोई स्टॉक एक्सेस में है या फिर वैल्यू एरिया हाई या फिर लो में है, तो मैं उसके बेसिस में भी स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर आपको मेरा वैल्यू एरिया जो स्ट्रैटेजी है वो अगर नहीं पता है, तो मैं उसका जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ। आप वो प्लेलिस्ट में जितने मेरे पार्ट 9 या पार्ट 10 तक वीडियोज है उसे अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको ये वैल्यू एरिया क्लियरली समझ आ जाएगा और ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो फिर अभी चलते हैं स्क्रीनर की तरफ। तो फिर आप, अगर आपको वो स्क्रीनर चाहिए, बहुत फ्री, एक फ्री स्क्रीनर है, तो उसके लिए हम चलेंगे पहले गूगल, और आप गूगल पे जाके टाइप करोगे फटाफट स्क्रीनर, तो यहाँ पे आप देखोगे एक फटाफट स्टॉक स्क्रीनर करके एक टू ऑप्शन आया हुआ है। तो अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये अभी एक फ्री स्क्रीनर सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे खुलते ही आपको ये आएगा क्लिक हियर टू ओपन फ्री फटाफट स्टॉक स्क्रीनर। तो अभी हम लोग इसको क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट खुल जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये लिस्ट खुल गया है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरे स्टॉक्स हैं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मेरे को ऑलमोस्ट पूरे F&O के स्टॉक्स, क्योंकि इसमें जो आता है वो पूरे F&O स्टॉक्स है। देखिए ACC से शुरू होकर अल्फाबेटिकली पूरा नीचे तक 150 स्टॉक्स है इन टोटल। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके दिखा सकता हूँ अगर चाहिए तो, पूरा नीचे तक जाता है ये, देखिए पूरा Z तक जाएगा, ZEAL तक है, पूरा F&O स्टॉक्स है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे कि मैं आपको बोला
मुझे चाहिए NR4 NR7। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंट्राडे में क्या मूवमेंट आया, या फिर गैप परसेंट कितना था, वॉल्यूम परसेंट कितना था, प्री वॉल्यूम कितना था, ये सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें पहले से ही दे दिया है। तो हम लोग को लेकिन जाना है डेली कैंडल स्कैन पे। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है डेली कैंडल स्कैन, तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे सीधा डेली कैंडल स्कैन में। अब सेम वही चार्ट्स में कुछ नया नया पैरामीटर्स यहाँ पे खुल गया है बीच में, देखिए। तो जैसे कि मैंने बोला, हम लोग ढूंढ रहे हैं NR7 एंड NR4। तो यहाँ पे ऑप्शन है, जो ये स्क्रीनर जो है वो खुद एंड ऑफ द डे उस दिन का पूरा जो NR4 और NR7 है उसको यहाँ पे मेंशन कर देता है। तो आप देखोगे, मैं अगर नीचे जाऊँगा तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए, ये NR4 है, ये NR7 है, ये NR4 दोनों है। तो देखिए, ये कोटक कोटक बैंक यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, ये दोनों भी NR4 NR7 है, ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उनको सॉर्ट आउट करेंगे जिसमें NR4 और NR7 है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा NR7 के यहाँ पे जाऊँगा। इसको पहले मैं अल्फाबेटिकली सेट कर दूंगा, शॉर्ट शीट A to Z। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे NR7 के बगल पे एक ये खुलता है, एक छोटा सा ऑप्शन। और देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको याद रखना है, ये जो स्टॉक स्क्रीनर है, ये अपडेट होता है रात को 10 बजे के बाद। मतलब आपको वही सेम डे का NR4 और NR7 अगर आप चेक करना है, तो आपको रात को 10 बजे के बाद ही इसको ओपन करना है, तभी आपको उस सेम डे का आपको NR4 और NR7 मिलेगा। मतलब जैसे कि कल फ्राइडे था, तो कल फ्राइडे के दिन का मुझे NR4 NR7 कल रात को 10 बजे मिला, उससे पहले नहीं मिला। कल रात को 10 बजे मैं खोला, तब यहाँ पे NR4 और NR7 अपडेट हो चुका था। तो अभी चलते हैं, तो मैं यहाँ पे NR7 के साइड पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, दोनों सेलेक्टेड है, ब्लैंक्स वाला भी दिखा रहा है और जिसमें NR7 है वो भी दिखा रहा है एक्सेल शीट में। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ NR7 को रखूंगा, ब्लैंक्स को निल कर दूंगा, ब्लैंक्स को निल कर दूंगा। तो ये निल हो गया, अभी सिर्फ NR7 सेलेक्टेड है। अब मैं ओके कर दूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे अभी सिर्फ मेरे को, यहाँ पे मेरे को सिर्फ NR7 एंड NR4 स्टॉक्स यहाँ पे ओपन है, करेक्ट, बाकी सारे स्टॉक्स गायब हो गए। तो ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट कर दिया हमारे लिए। तो NR7 और NR4 एक साथ दिखा रहा है, क्योंकि जो स्टॉक अपने लास्ट 4 डेज का सबसे छोटा कैंडल बनाया, वो लास्ट अपने 7 डेज का भी सबसे छोटा कैंडल बनाया, इसलिए ये NR7 और NR4 एक साथ ही दिखाता है। और मैं यहाँ पे मोस्टली NR7 पे ही स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि लास्ट 7 डेज का कैंडल अगर सबसे छोटा बन रहा है तो वहाँ कुछ तो बात है। तो अब हमारे पास आ गया ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 6 स्टॉक्स हमारे पास अभी आ गया। दिख रहा है आपको क्लियरली? अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ, यहाँ पे मोस्टली एक रेटिंग आता है A to C। तो मैं मोस्टली यहाँ पे जो भी A और B में स्टॉक्स आता है वही सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इनका खुद का एक एल्गोरिदम है जिसके हिसाब से, देखिए यहाँ पे इंट्राडे के लिए ये लोग बताते हैं ए फ्रेंडली स्टॉक्स, बी जो है मॉडरेट स्टॉक्स, और सी जो है वो स्टे अवे स्टॉक्स। तो आप अगर कोशिश करोगे तो मतलब कोशिश करिएगा कि जो सी स्टॉक्स है उससे दूर रहिए, क्योंकि शायद इसमें अचानक से ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट्स आते हैं, इसलिए इन्होंने इसको सी मेंशन किया है। तो समझ लीजिए हमारे लिस्ट में से श्री सीमेंट चला गया। तो लेकिन आप फिर भी उसको अपने ट्रेड पे रख सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं नहीं सेलेक्ट करता सी वाले। अब बचा हमारे पास 5 स्टॉक्स, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए, अब मेरे पास और प्रायोरिटीज है। अब मैं, जब मेरे पास NR7 एंड NR4 आ गया, मतलब इन 6 स्टॉक्स जो यहाँ पे 6 स्टॉक्स है, ये वो 6 स्टॉक्स है आउट ऑफ द 150 जहाँ पे आज कल जो कैंडल बना था फ्राइडे, मतलब कल जो सेशन था उसी का तो ये है। तो वो कैंडल जो बना वो लास्ट 7 डेज का सबसे स्मॉलेस्ट कैंडल बना है। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं, वो एक आंधी आने से पहले वाला जो तूफान आने से पहले वाला जो शांति, ये वही है जो नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है लास्ट डे में। तो मोस्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्शन फेस है, तो वहां से स्टॉक शायद ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो या फिर नीचे की तरफ एक्सपैंड हो, तो हम लोग वही वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज क्या है जो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं मोस्टली यहाँ पे इनसाइड कैंडल्स जो है उसको हाई प्रायोरिटी देता हूँ। जब भी ये इनसाइड यहाँ पे आता है, ये जो पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब NR7 और NR4 प्लस अगर इनसाइड है, तो मैं उसे बहुत अच्छा प्रायोरिटी देता हूँ।
तो मैं आपको बताता हूँ ये इनसाइड कैंडल क्या होता है, क्योंकि श्री सीमेंट तो हमारे लिस्ट में से नहीं है, तो अब बचा एक ही इनसाइड, वो है कौन सा, रिलायंस। तो देखिए आपने कैंडल स्टिक पैटर्न से सुना ही होगा, तो उसमें एक बहुत फेमस पैटर्न है, उसको बोलते हैं बेरिश हरामी एंड बुलिश हरामी। तो मैं आपको गाली तो नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये नाम है और ये नाम जापानीज टर्म से लिंक्ड है, ये हमारा इंडियन हरामी नहीं है। तो हरामी मतलब एक्चुअली इसका फंडा ये है कि बीइंग प्रेग्नेंट। तो आप देख सकते हैं जब बुलिश हरामी है मतलब ये बड़े ग्रीन वाले कैंडल के अंदर में है ये रेड वाला कैंडल, और बेरिश हरामी मतलब यहाँ बड़े वाले ग्रीन कैंडल कैंडल के अंदर पे रेड कैंडल है। तो ये एक्चुअली रिवर्सल मूवमेंट्स बोलते हैं हम लोग, जब भी रेड कैंडल के बाद ऐसे ग्रीन कैंडल आता है तो मोस्टली चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि वो एक जो मोमेंटम था वो ब्रेक हो गया। कैसे, देखिए यहाँ पे यहाँ क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद ये गैप अप ओपनिंग दिया, तो वहां पे एक मोमेंटम डिस्ट्रॉय हुआ बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इसके बाद शायद बुलिश मोमेंट हो, इसलिए इसका नाम बुलिश हरामी दिया है। तो बेरिश हरामी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंड हुआ, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल एक बुलिश कैंडल यहाँ एंड हुआ, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद प्राइस और नीचे चला गया, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये शायद टॉप रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से नीचे की तरफ जाए, इसलिए इसे कहते हैं बेरिश हरामी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं मानता हूँ। तो ये हमें वही बता रहा है यहाँ पे, देखिए ये बता रहा है इनसाइड, मतलब ये जो रिलायंस है वो यहाँ पे NR7 है, NR4 है एंड प्लस इनसाइड भी है। तो चलते हैं रिलायंस की तरफ, देखते हैं रिलायंस में क्या है। अब आपको स्टॉक मिल गया तो अब ये नहीं कि आप कल इस को रिलायंस को डायरेक्टली कल सेलेक्ट कर लें, तो अब स्टॉक मिलने के बाद आप जाके रिलायंस में देखोगे कि क्या है, पहले तो आप देखोगे कि वो सही में NR4 NR7 है कि नहीं। तो देखिए अभी हम लोग रिलायंस पे है, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग रिलायंस में है, वन डे पे है, डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे ही आपको NR4 NR7 देखना है। तो अब हम पहले वैलिडेट करेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं है। अब देखिए ये डेली कैंडल है रिलायंस का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका देखिए टॉप यहाँ पे बॉटम यहाँ पे, और ये जो कैंडल बना ये इसके अंदर बना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट का, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइंस बनाएंगे ताकि हमें पता चले क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं मोस्टली जाऊँगा इसको शॉर्ट करूँगा और यहाँ पे लाइंस ट्रेंड लाइंस बनाऊँगा। सबसे पहले देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, तो मैं वहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार देता हूँ। फिर अगला मैं ट्रेंड लाइन मारता हूँ, देखिए यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे ठीक से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इसको बाद में हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाके करेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे में एक और सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे जस्ट अभी रिसेंटली वहाँ आके बाउंस किया, तो अब मुझे यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन मिल गया है, अब मैं जाऊँगा और छोटे टाइम फ्रेम में, दैट इज़ 1 आवर। तो अब मैं 1 आवर पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे देखूँगा यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, और मैं जो लाइंस बनाया उसको थोड़ा और ठीक से करेक्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे अच्छा ही सेलेक्ट हुआ है ट्रेंड लाइन, ये देखिए यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे बाहर आ गया, फिर वापस अंदर जाके अभी उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या समझ आ रहा है हम लोगों, ये एक छोटे से वैल्यू एरिया पे है, इस वैल्यू एरिया से ये बाहर चला गया था, फिर वापस ये वैल्यू एरिया में आया, करेक्ट। अब ये वैल्यू एरिया के अंदर पे ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करके ऊपर जा रहा है इस टॉप की तरफ में, और अभी इसने रिसेंटली अपना एक छोटा सा रेंज भी बनाया, देखिए यहाँ पे एक बहुत छोटे रेंज के अंदर पे ये ट्रेड किया कल के दिन, इसलिए तो ये NR7 कैंडल बना है। तो अब मैं एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाऊंगा जो मुझे दिख रहा है, तो देखिए आपको जितना ऊपर से और नीचे से जितना लाइंस मैच कर सकते हैं उतना आप मैच कर लीजिए। तो देखिए मेरे को यहाँ पे एक और दिख रहा है ट्रेंड लाइन, देखिए यहाँ पे ये हो गया। तो अब अगर आप देखोगे बहुत नीटली देखोगे तो मुझे यहाँ से एक ट्रेंड ब्रेक दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था
यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक करके ये कैंडल यहाँ पे बाहर आया है, और ये वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ हमें वही बता रहा है, ठीक है, ये वॉल्यूम भी हम लोग को कुछ ना कुछ वही बता रहा है। तो अब ये अपना हाई टेस्ट करने जा रहा है, दैट इज 1480 1480, और अगर 1480 को ब्रेक करता है तो खाली अच्छा मोमेंटम हम रिलायंस पे देख सकते हैं। तो इसलिए ये अब हमारे स्टॉक पिक में रहेगा फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। तो अब मैं एक और चीज़ क्या करूँगा, इसको थोड़ा और माइक्रोस्कोप के अंदर पे देखूंगा। माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे देखते हैं, मैंने आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बनाया है, डेली वॉल्यूम प्रोफाइल्स के ऊपर, जिसमें से बहुत कुछ डिटेल्स हम लोग को मिलता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे उसको पोस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल का वीडियो, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा, डेली वॉल्यूम प्रोफाइल को एक्टिवेट करूँगा। तो अब देखिए हमारा डेली वॉल्यूम प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं जाऊंगा माइक्रोस्कोप में, मतलब सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे, दैट इज 1 मिनट। तो मैं अभी 1 मिनट में जाऊंगा, तो आपको क्लियरली क्या दिखेगा यहाँ पे, बहुत ही एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज पे आया था यहाँ पे। देखिए ये अपना ट्रेंड लाइन और ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन, करेक्ट। तो अब यहाँ पे बहुत टाइट एरिया में ये आके लास्ट में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं जब भी ट्रेंड ब्रेक होता है आपको ऐसा कोई मूवमेंट दिखेगा, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट कितने दिनों से ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऐसे था और अचानक से आपको लास्ट ऐसा दिख रहा है, तो उसका मतलब ये है कि कुछ तो ट्रेंड ब्रेक यहाँ पे हो रहा है। तो अभी भी हम लोग गारंटी तो नहीं कर सकते कि ये ऊपर की तरफ ही ब्रेक है, बट जितना ट्रेंड लाइन हम लोग को बता रहा है वो ऊपर की तरफ ही ब्रेक है। बट बहुत बार फेक ब्रेकआउट होता है क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा हाई बचा हुआ है हमारे पास यहाँ पे 1480 का। तो लेकिन फिर भी हमें एक छोटा सा यहाँ पे हिंट मिला है कि ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम्स दिखा जब इसके ऊपर आया और लास्ट में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही एंड अप किया, क्लोज दिया, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। तो इसलिए मैं रिलायंस को तो पक्के अपने स्टॉक पिक में रखूंगा अगले दिन के लिए। तो ये हो गया एनालिसिस, क्योंकि सिर्फ आप एक स्क्रीनर से रैंडमली एक स्टॉक सेलेक्ट करके नहीं रख सकते, वो एकदम भी गलत रहेगा और इलॉजिकल रहेगा। तो चलिए कोई और स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, चलते हैं फटाफट स्टॉक स्क्रीनर की तरफ। हमारा इनसाइड वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि श्री सीमेंट जो है वो तो सी कैटेगरी में, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो अब चलते हैं एक और स्टॉक, लेट से टेक महिंद्रा, ये तो फर्स्ट वाला जो आया है यहाँ पे, कोटक बैंक, तो वो भी NR7 NR4 है। तो हम लोग चलते हैं कोटक बैंक में, सेलेक्ट करते हैं एक बार कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक, ओके। तो सबसे पहले डेली में जाके वैलिडेट करते हैं कि ये NR4 NR7 है कि नहीं, ओके। देखिए अब ये अपने इतने दिनों के कैंडल्स में से सबसे छोटा कैंडल यहाँ पे बना है, बट ये इनसाइड कैंडल नहीं है देखिए, क्योंकि पिछला वाला जो कैंडल था वो तो यहाँ पे था और ये उसके बाहर आ चुका है, तो ये इनसाइड कैंडल तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक छोटा एरिया में यहाँ पे बना है, इसलिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो कुछ ट्रेंड लाइंस बनाते हैं यहाँ पे ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ पे काफ़ी दूर है, नीचे में देखते हैं क्या चल रहा है, नीचे में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है, ओके, हाँ यहाँ पे बन रहा है। तो एक बार जाके छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 आवर पे जाके देखते हैं क्या चल रहा है, ओके। हाँ देखिए यहाँ पे ये सही मैच हो गया ट्रेंड लाइन, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये अभी यहाँ पे टच नहीं किया है, और नीचे में भी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैच कर गया। अब एक और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए, ये एक पीछे एक वैल्यू एरिया था जिसपे ये था थोड़े दिन, और उसके बाद आप देखिए ये कहाँ जाके करेक्टली इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया और इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। तो देखिए जब से प्राइस ऊपर से वापस आया है, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर ये ऊपर गया और 2 बार इसको सपोर्ट यहीं मिला, और यहाँ से ये अभी ऊपर जाके यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला और ये सेंटर पे आके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक टाइट स्ट्रक्चर बन रहा है और एक मूवमेंट आने का चांसेस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे और ज़्यादा
आइसोलेट करेंगे और ज़्यादा मैग्नीफाई करेंगे बाई 1 मिनट। तो अब मैं 1 मिनट में जाऊँगा, पहले तो वॉल्यूम प्रोफाइल एक्टिवेट करूँगा और उसके बाद 1 मिनट में जाऊँगा। ओके, तो देखिए 1 मिनट में मैं जाता हूँ, तो फिर 1 मिनट में भी यहाँ पे छोटा सा कुछ मूवमेंट मुझे लास्ट में आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक टाइट कंसोलिडेशन हुआ है लास्ट में और यहाँ पे छोटा सा मूवमेंट आया, बट उतना काफ़ी नहीं है। लेकिन इतना तो पता है कि शायद अगले अगले दिन, दैट इज़ नेक्स्ट सेशन में कोई अच्छा मूवमेंट आए, अगर नीचे की तरफ आता है तो मुझे पता है यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे यहाँ तक सेल कर सकता हूँ। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, फिर मुझे पता है अगर यहाँ से बाउंस करता है तो मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसका नेक्स्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो आपको क्लियरली पता है। तो ये भी एक स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये अच्छा बुलिश मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स में अभी चल रहा है, तो फिर हो सकता है शायद यहाँ से नीचे आके फिर बाउंस लेके ऊपर जाए, लेकिन ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। और एक स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे टेक महिंद्रा लास्ट में है, टेक महिंद्रा देखते हैं क्या चल रहा है। तो अब टेक महिंद्रा में जाता हूँ, तो पहले वॉल्यूम कटा देता हूँ। ओके, टेक महिंद्रा बहुत ही स्ट्रांग एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, देखिए बहुत ही छोटे एरिया पे ये एक्यूमुलेट कर रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा मूवमेंट इसमें आ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत छोटा कैंडल बनाया है इसने लास्ट 7 डेज का, तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिले हम लोग को। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइंस बनाओगे तो यहाँ पे एक क्लियर देखिए टॉप ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैच कर रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ 1, 2, 3, 4। नीचे में भी देखते हैं क्या है, ट्रेंड लाइंस कहीं मैच कर रहा है क्या। ओके, देखिए यहाँ भी नीचे भी ट्रेंड लाइन इसको मैच कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे पूरा ये मैच कर रहा है। अब मैं इसको 1 आवर के चार्ट पे लेके जाता हूँ, तो अभी आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो ये भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर पे फंसता जा रहा है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, जगह नहीं है इसके पास जाने के लिए। एक स्प्रिंग को आप दबाते जाओगे, तो एक टाइम आएगा जब ये या तो ऊपर से खुल जाएगा या फिर नीचे से खुल जाएगा, जब वो फोर्स अंदर रह नहीं पाएगा। तो मुझे लग रहा है अभी वही हुआ है। टेक महिंद्रा तो बहुत ही कंपलसरी है अगले स्टॉक मार्केट, मतलब अगले सेशन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्लियर छोटे एरिया के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है ये, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट आ सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखना है तो हम लोग को वॉल्यूम प्रोफाइल खोलना पड़ेगा, तो अगर वॉल्यूम प्रोफाइल खुल जाएगा तो मैं 1 मिनट पे जाऊंगा। और देखिए यहाँ पे 1 मिनट पे क्या हुआ, रिलायंस में आपको याद है क्या हुआ था लास्ट में, छोटे कंसोलिडेशन के बाद एक छोटा सा ब्लास्ट आया, यहाँ भी एक ब्लास्ट आया लेकिन प्राइस में मूवमेंट नहीं दिखा। लेकिन ये जो ब्लास्ट यहाँ पे आया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी सब दिन कैसे था और अचानक से एक मूवमेंट आया, इसको बोलते हैं एक ब्लास्ट मूवमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटे एरिया में ये आके कंसोलिडेट कर दिया, अब इसके पास ज़्यादा जगह नहीं है जाने के लिए। तो अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको दिख रहा है कि ये या तो इस रेंज से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ये आपको पता है यहाँ टॉप है, यहाँ पे यहाँ बॉटम में ये एक सपोर्ट है, तो इसके हिसाब से आप बहुत सारे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अभी ज़रूरी नहीं है आपके पास ये वॉल्यूम प्रोफाइल होना, क्योंकि आपको एनीवेज दिख रहा है कि यहाँ पे टाइट प्रोफाइल हो रहा है, तो मैं सिर्फ वॉल्यूम प्रोफाइल को थोड़ा और कंफर्मेशन के लिए लेता हूँ, बट विदाउट वॉल्यूम प्रोफाइल भी आप ये चीज़ वैलिड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप स्टॉक स्क्रीनर पे जो जाओगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काम आएगा, जैसे कि यहाँ पे ये आपको बताता है कि लास्ट 2 डे से ये डाउन डाउन जा रहा है, दैट मीन्स जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है वो लास्ट 2 दिन से लोअर क्लोज कर रहा है, और टेक महिंद्रा जो है लास्ट 3 दिन से ऊपर ही जा रहा है। तो हो सकता है शायद टेक महिंद्रा एक बार नीचे आके ही जाए, क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है टेक महिंद्रा एक बार नीचे आए, ब्रेक करे, फिर ऊपर जाए। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना है। देखिए वॉल्यूम यहाँ पे टेक महिंद्रा में 2 दिन से ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, मतलब मोर एंड मोर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड। गैप्स जो है वो टेक महिंद्रा में 3 दिन से गैप अप में ही ओपनिंग हो रहा है, यहाँ पे पावर ग्रिड में देखोगे तो वॉल्यूम 3 दिन से ऊपर जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से मिल सकता है, बस आपको
सब कुछ नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खोलोगे तो बहुत सारे चीजें हैं, तो आप अपना खुद का एज फाइनलाइज कर लीजिए, स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कर लीजिए और उसके हिसाब से सिर्फ वही चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो ये NR4 एंड NR7 जो है वो मैं यूज़ करता हूँ और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी वैसे ही यूज़ करें। तो अब से जब भी मैं स्टॉक पिक्स डालूंगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ और कहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है ये स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि कोई भी और स्ट्रैटेजी पे, तो मैं यहाँ पे अपना मेरा जो डिटेल्स है, ट्रेडिंग व्यू का डिटेल्स है, वो यहाँ नीचे में दे दिया हूँ। तो आप मुझे नहीं तो फिर व्हाट्सएप में चैट भी कर सकते हैं मेरे साथ, यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।